गया में सीडीपीओ कार्यालय के कर्मचारियों ने ब्लॉक प्रमुख के पति पर रंगदारी का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार सीडीपीओ कार्यालय में संजय ने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। प्रमुख पति संजय कुमार गुप्ता आए और बाहर ही दरवाजे से हमको बुलाए। बुलाने के बाद बगल में प्रमुख के चैम्बर है, उसमें वो जाकर बैठे। बैठने के बाद जब ही मैं गया तो वो बोले कि आप यहाँ उगाही का काम, तहसील का काम करते हैं, इसलिए हमको पर मंथ 50,000 रुपया चाहिए। वहीं इस मामले पर ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि थाना प्रभारी के खिलाफ सीएम से शिकायत की गई थी, जिसके बाद से ही थाना प्रभारी उन्हें और उनके परिजनों को परेशान कर रहा है। 15 अगस्त को जब झंडा तोलन करने गए हम लोग ब्लॉक में, तो झंडा में उन लोग थाना में से एक भी नहीं आया, सलामी देने नहीं आया। तो हम लोग गए थाना में झंडा फहराने, तो वहाँ झंडा गिर गया। तो हम बोले कि झंडा गिर गया गलत बात है, अपमान किया जाएगा। तो बोल रहे हैं कि तुम बोलने वाली कौन होती हो? थाना प्रभारी बोले कि तुम बोलने वाली कौन होती है, जहाँ बोलना वहाँ बोल दो, मैं कुछ नहीं करूँगी। मेरे और मेरे परिवार का फंसा देने की धमकी दी जा रही है। वहीं पुलिस ने संजय कुमार गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ एक हफ्ता पहले एक मामला आया है डुमरिया प्रखंड में, वहाँ से डीपीओ कार्यालय में जो एक लिपिक है उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो अभी वर्तमान प्रमुख पति हैं उनके द्वारा उनको ऑफिस में बुलाकर 50,000 रुपये उनसे हर महीने उनके द्वारा कहा गया है कि वो हर महीने उगाही करते हैं हर आंगनवाड़ी से, तो उनको भी 50,000 रुपया हिस्सा चाहिए। तो उन्होंने इसका एक्सटॉर्शन मांग किया और नहीं देने पर देख लेंगे का धमकी दिया गया। उसके बाद उसी लिपिक को दो दिनों के बाद एक फ़ोन नंबर से 5,00,000 रुपया देने की धमकी दी गई है, नहीं तो जान से मार देने की धमकी दी गई है। उसी के लिए हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और जो होगा उचित कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन अब जांच के बाद ही इस मामले में सच्चाई का पता चल पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट।